तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो जेड कैंपस का नमस्कार आप सबको। और आपके लिए बहुत ही बम्पर खुशखबरी लेकर आया है। महादेव की कृपा से, महाकाल की कृपा से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें जो है सद्बुद्धि आ चुकी है। महादेव ने उन पर कृपा बरसा दी है और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी खबर लाए हैं हम आपके लिए। जी हाँ, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उसके साथ साथ एक खुशखबरी मिल जाए तो क्या कहने। और सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, समय पर निकाल दी, क्योंकि बहुत हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, वो बहुत ही दिनों से एक वेट कर रहे थे वैकेंसी की। एक ही वैकेंसी आनी चाहिए एनटीपीसी की और आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी कैसी आई है, क्या आई है, क्या योग्यता रहेगी और क्या फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये सब बताएंगे। और इसी के साथ, मेरा नाम है रोहित कुमार और हमें जेड कैंपस क्लासेस और आप हमारे क्लास शेयर करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिए सबसे पहले तो पोस्ट देखिए। पोस्ट टोटल है, पोस्ट है 10,000, 10,844। जी हाँ, 10,844 इसमें पोस्ट है। देखिए अगर देखा जाए तो पिछले वैकेंसी के मुकाबले ये पोस्ट थोड़ी कम है। तो मैं सरकार से, आप लोगों की तरफ से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वैकेंसी थोड़ी और बढ़ाए। जैसे आपने एएलपी की वैकेंसी शुरू में 5,000 लाए थे, आपने उन्हें 18,000 कर दिया, तो इन वैकेंसी को बढ़ा के भी 36,000 के आसपास इन्हें कर दो आप। कितनी? 30,000 वैकेंसी करने की कृपा करें। सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि 30,000 वैकेंसी करें जी, तभी जाके जो बच्चे जो बेरोजगारी है वो उनकी समाप्त होगी। चलिए, तो 10,000 पोस्ट है, कोई बात नहीं, जितनी भी है स्वीकार करिए। चलिए वो देखिए, इसमें 12वीं, जो 12th है हमारे भाई, जो हमारे भाई बंधु 12th है, जिन्होंने 12वीं कर रखी है, उनके लिए वैकेंसी है। और जो हमारे ग्रेजुएशन BA BTech जितने भी हैं, हमारे भाई है, बहन है, उनके लिए भी इसमें जॉब है। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी किसके लिए है। चलिए देखिए, तो वैकेंसी इसमें आइए देखते हैं कितनी कौन सी है। चलिए देखिए, ये नोटिफिकेशन आया है 24/7/2024 में। कब आया है? 24/7/2024 के आया है नोटिफिकेशन। हाँ, तो सरकार ने वैकेंसी बताई है। देखिए पहले तो इसमें वैकेंसी दी है 12th पास। कौन सी? 12th पास, जितने हमारे भाई बहन 12th पास है उनके लिए एक मौका दिया है। और कितनी वैकेंसी दी है इसमें? दी है आपकी 3,000, 3,404 इसमें दी है वैकेंसी। जी हाँ, 3,404 वैकेंसी। ये बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, मतलब 12th लेवल, इसका लेवल है 12वीं पास, जो हमारे भाई बहन है वो इसमें अप्लाई कर सकते। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है? इसमें है अकाउंट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट मतलब दोनों काम कर सकते हैं। और फिर है कमर्शियल टिकट क्लर्क, जी कमर्शियल टिकट क्लर्क की वैकेंसी है इसमें। और आगे वैकेंसी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जी हाँ। और देखिए अकाउंट की जो टॉप वैकेंसी है वो 361 है। कितनी है? 361 इसमें वैकेंसी अकाउंट की है, ठीक है। फिर है 1985 वैकेंसी, किसकी है इसमें? आपके कमर्शियल टिकट क्लर्क के, जी हाँ। और जूनियर क्लर्क है हमारे, उनकी वैकेंसी कितनी है इसमें? उसमें है आपकी 990 वैकेंसी। कितनी है? 990 वैकेंसी। और ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी कितनी है इसमें? इसमें है आपकी ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी 68, जी हाँ। टोटल वैकेंसी कितनी होगी 12th वालों की? कितनी होगी आपकी? 3,404 या 3,400 के आसपास इसमें वैकेंसी है, जो हमारे 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। चलिए अब देखते हैं, जो हमारे ग्रेजुएट विद्यार्थी, हमारे दोस्त भाई बहन हैं, उनके लिए वैकेंसी कितनी है। चलिए देखिए, उनके लिए जो वैकेंसी है, उनके लिए वैकेंसी कितनी है आपकी? 7,479, मतलब ये लगाइए कि 7,500 के आसपास इसमें वैकेंसी उनके लिए है, ठीक है। ये कितनी है? ये कितनी है? ये BA वालों के लिए या BSc, ठीक है। हाँ, उनके लिए वैकेंसी BA BSc BCom सब इसमें आ जाएंगे, BTech वगैरह भी, ठीक है, ये आएंगे इसमें। चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें है गुड्स ट्रेन मैनेजर। देखिए जो पहले गुड्स गार्ड की पोस्ट का नाम था, वो इन्होंने उसका नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है? गुड्स ट्रेन्स मैनेजर,
जो ट्रेन्स मैनेजर की, उसके नाम बदल दिया है। और उसमें कितनी वैकेंसी है इसकी? इसमें इसकी वैकेंसी है आपकी 2684 या 2684 वैकेंसी है। फिर है आपका स्टेशन मास्टर, जो आप एएसएम की पोस्ट थी, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, उसकी पोस्ट का भी नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? स्टेशन मास्टर कर दिया। कितना कर दिया इसकी पोस्ट है? 963 ये पोस्ट है, ठीक है। चलिए फिर है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी कितनी पोस्ट है इसमें? इसमें इसकी पोस्ट है 1737। फिर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी कितनी वैकेंसी है? इसमें है 725 वैकेंसी, ठीक है। और देखिए इसमें एक और जोड़ा है इन्होंने, एक नया फीचर है ये पहली वैकेंसी में नहीं था। इसमें सेफ्टी और नॉन सेफ्टी जोड़ दिया है, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी का जो जोड़ दिया है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है सेफ्टी वाले की सबसे पहले चॉइस रखनी है, किसी ने सेफ्टी वाले की। हाँ चलिए और आगे क्या बताएं, आगे देखिए, आगे इसमें जो है आपके ये बोर्ड वाइज जो हमारे जोन है, रेलवे के जोन है, उनके अकॉर्डिंग वैकेंसी दी हुई है। चलिए सेंट्रल है, ईस्ट है, आपका ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, सभी जितने भी हमारे जोन है उन सब में वैकेंसी बांट दी है। और टोटल वैकेंसी 10,700 कितनी है? 10,884 वैकेंसी कितनी है? 10,884 जी हाँ। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए दोस्तों वैकेंसी बम्पर है, देखिए कम है कोई बात नहीं, लेकिन जितनी भी है आपके अकॉर्डिंग वैकेंसी है, आप जो वेट कर रहे थे आपके अकॉर्डिंग वैकेंसी आई है, ठीक है। तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वैकेंसी को और बढ़ाए, 30,000 वैकेंसी करी जाए, जी हाँ 30,000 वैकेंसी, क्योंकि हमारे विद्यार्थी दिन रात जुटे हुए हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए वैकेंसी ये थोड़ी कम है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो चीज़ जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए, जी हाँ आपको जो है जेडी कैंपस बिल्कुल फ्री क्लास देगा। एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है, उसका वेट करिए, जी हाँ। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।